मॉर्निंग फ्रेंड्स, नीट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का पहला चैप्टर, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में हमारा जाता है उसको लाइफ स्पैन कहेंगे। तो लाइफ स्पैन होता है द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। हमेशा नेचुरल डेथ याद रखिएगा, कई लोग कई बार सिर्फ डेथ लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। हमारा लाइफ का वो टाइम जब से हम बर्थ हुई जब हमारा, और जब हम डेथ हुए नेचुरल डेथ हुई, तो इस टाइम का पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। हम अब अगला टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर का कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू वंस और ऑफ स्प्रिंग्स। ऐसे प्रोसेस जिसमें एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मैच्योर हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है, अपने जैसे न्यू वंस को राइज बर्थ देता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। न्यू वंस को ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। अब आपको पता है रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, आइए टाइप्स देख लेते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। अब दोनों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले ए सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व कर देता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है वो है फिजन। इसका एक टाइप है फिजन। फिजन में क्या होता है कि कई तरीके के फिजन होते हैं, दो तरीके के मेनली होते हैं। एक होता है कि मल्टीपल फिजन, और एक होता है बाइनरी फिजन। तो बेसिकली फिजन का मतलब होता है टूटना। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो होती है वो कई भागों में टूट के बढ़ जाती है। मान लीजिए ये पेरेंट बॉडी है हमारी, तो ये कई भागों में छोटे छोटे ने तो कई टुकड़ों में टूट जाएगी, इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल मतलब आपको पता है एक से ज़्यादा। बाइनरी फिजन जो होता है उसमें सिर्फ दो भागों में टूटती है बॉडी। मान लीजिए ये पेरेंट बॉडी है, ये 20 से हो जाएगी पतली ऐसे, न्यूक्लियस आपका भी डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर, फिर ये 20 से इस जगह से ऐसे टूट के दो अलग अलग बॉडी बनाएगी, एक ये और एक ये। तो इसमें सिर्फ टू डॉटर सेल्स बनते हैं और इसमें कई सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन हो गया एसेक्सुअल का, जिसको हम फिजन कहते हैं। फिजन आपको पता चल गया मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लाज्मोडियम। एग्जांपल याद रखिएगा क्योंकि एग्जांपल बहुत आता है, प्लाज्मोडियम। बाइनरी फिजन का बहुत ही कॉमन एग्जांपल और आपको फेमस एग्जांपल पता होगा, अमीबा इसका एग्जांपल हो गया। अगले तरीके की जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा टाइप है वो है बडिंग। बडिंग क्या होता है कि बर्ड्स निकलते हैं, बड एक प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत ही कॉमन ईस्ट में देखा जाता है। एग्जांपल जरूर याद रखिएगा ईस्ट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये है, ये ईस्ट है, तो इसमें यहाँ से थोड़ी सी हट जाती है स्किन और यहाँ पे एक बड बन जाता है। अब ये बड क्या होता है, ग्रो करता है, थोड़ा और बड़ा होता है, ये बड और बड़ा होगा आपका, और फिर उसके बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। तो आपका ये अलग हो गया और ये बड अलग हो गया, दो बड दो हैं, तो दो डॉटर सेल्स, एक ही हो गया एक हो गया। फिर आप पे ये फिर से बड बनाएगा और फिर आगे फर्दर डिवाइड होगा, तो इसी वजह से इसको बडिंग कहते हैं। इसमें बड लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। फिर अगला टाइप का रिप्रोडक्शन आ जाता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है कि स्पोर्स बनाना। स्पोर्स मतलब एक हिसाब से छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग समझ लीजिए, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स की एक खासियत होती है कि ये याद रखिएगा काफ़ी रेसिस्टेंस होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट अगर अनफेवरेबल सिचुएशन है फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसकी ये खासियत होती है।
बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये 12th में सिर्फ रिवीजन के तौर पे है, तो ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। अब स्पोरुलेशन के बारे में बता दिया गया कि स्पोर्स बनते हैं, और एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि स्पोर्स कितने तरीके के होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहला जो स्पोर्ट्स हैं वो जू स्पोर्ट्स हैं, जू स्पोर्ट्स, जू मतलब मोटाइल होता है, कहीं भी जू लग जाए वहाँ पे मोटाइल होता है, मतलब ऐसी चीज़ जो मूव कर सकती हो। तो जू स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, याद रखिएगा ये, दे कैन मूव। इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, क्लाइमाइडो मोनास, ये एग्जांपल भी इसका याद रखिएगा। तो जू स्पोर्ट्स ऐसे जू स्पोर्ट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, एग्जांपल क्लाइडोमोनास। फिर अगले तरीके के स्पोर्ट्स आ जाते हैं कोनिडिया, ये नॉन मोटाइल होते हैं, कांट मूव, मूव नहीं कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल आप याद रखिएगा, पेंसिलियम, पेनिसिलियम, इसका एक एग्जांपल आप याद रखिएगा, कोनिडिया। तीसरे तरीके हो गए जेम्यूल्स, जेम्यूल्स की एक खासियत है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा, अभी आपने उस देखा था कि बर्ड्स बन रहे थे, बर्डिंग में ईस्ट में बर्ड्स बन रहे थे, तो जेम्यूल्स में क्या होता है कि बर्ड्स बनते हैं लेकिन वो इंटरनल बर्ड्स होते हैं, बाहर की ओर नहीं बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। तो इंटरनल बर्ड्स, इनके बारे में याद रखिएगा, इंटरनल बर्ड्स। एक एग्जांपल इसका भी याद रख लेते हैं, स्पॉन्जेस, ठीक। फिर उसके बाद ये तीनों तरीके के आप अच्छे से याद रखिए इन तीनों को और एग्जाम्पल सहित। अगले तरह का रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं एसेक्सुअल, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़े, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, टुकड़ों में बढ़ जाना। मान लीजिए ये कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से इसका टुकड़ा और यहाँ से अलग कर दिया गया, तो ये तीनों अपने में एक अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। याद रखिएगा, मान लीजिए कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म पहले यूं था, तो डायरेक्ट कहीं से भी नहीं टूट सकता है, इसके जहाँ से बना रहेगा, जहाँ से लाइनिंग बनी रहेंगी वहीं से टूटेगा, कहीं से भी नहीं ये टूट सकता है, ठीक। तो इसकी वॉल्स होती हैं यहाँ पे, ये है और ये इसकी दीवार है, यहीं से टूटता है और कहीं से नहीं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, याद रखिएगा। दूसरा है रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब होता है दोबारा बन जाना। मान लीजिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा को हमने यहाँ से काट दिया, पहले मान लीजिए यहाँ से काटा, यहाँ से काटेंगे देखिए दो अपने आप बन गए, और यहाँ से मान लीजिए सिंपल काटा, तो ये इतना पार्ट जो होगा, ये इतना पार्ट, यही पूरे पूरे के पूरे पेड़ को, पूरे हाइड्रा को बना देगा, तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे पूरा प्लांट बनाना। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब लीफ, स्टेम, एक्सेट्रा, ठीक। और जो प्लांट बनता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेलस कहते हैं, ठीक। मेथड आपको पता है, तीन तरीके का मेथड होता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। फिलहाल अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं, तो इसी वजह से आप इतना याद रखिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, टू प्रोड्यूस द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। और जो प्लांट बन जाता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेलस कहते हैं।